जांच प्रेत बात रख ली किसान रख ली जाए। श्री बाबा महाकाल भक्त मंडल समिति के तत्वाधान में पांचवा आयोजन जो कि हर वर्ष आदि इस वर्ष भी रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे महाकाल पद्मावती और महाबली हनुमान, महाकाल बाहुबली भोलेनाथ और राम दरबार काली अखाड़ा जो बहुत ही भव्य रखा गया है, और उसमें मुख्य आकर्षक का केंद्र है हमारा जो बाबा महाकाल की पालकी का रूढ़ होगा वो एकदम आकर्षक सजा हुआ होगा, और राधा किशन जी के मंदिर से प्रारंभ होकर डाकखाना स्थित सिद्धेश्वरनाथ मंदिर समापन होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा महाकाल का पंचम पालकी महोत्सव का आयोजन 21 अगस्त नागपंचमी को किया जा रहा है, जो कि श्री राधा कृष्ण के मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार, सेंट्रल चौराहा, बर्फखाना चौराहा होते हुए डाकखाना स्थित श्री सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर संपन्न होगी। इस बार बाबा की पालकी में दिल्ली से पधारे कलाकारों द्वारा पालकी की झांकियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से महाकाल की भव्य झांकी होगी, भस्म आरती वाली महाबली हनुमान होंगे, साथ ही एक भव्य इसमें काली अखाड़ा होगा। साथ ही शहर फिरोजाबाद में पहली बार बाहुबली महाकाल की झांकी आ रही है, जो आज तक शहर में कभी नहीं आई, और उसके साथ ही शहर में एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है बाबा महाकाल की पालकी में कि पूरा शहर भव्य तरीके से सजा होगा, जैसे शादियों में आपने देखा होगा गैलरी सजती है पूरी, उसी तरीके से राधा कृष्ण के मंदिर से लेकर पूरे सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर तक गैलरी को सजाया जा रहा है फूलों से। यह बिल्कुल ऐतिहासिक पालकी अपने आप में होने जा रही है। कहां से कहां तक तय किया श्री राधा कृष्ण के मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार, सेंट्रल चौराहा और बर्फखाना चौराहा होते हुए डाकखाना स्थित श्री सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर को इस रूट को रखा गया है। सभी मेरा धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर पालकी में धर्म लाभ प्राप्त करें।